राजू की बदौलत शहंशाह जहीरुद्दीन बाबर बन गया। जंग व जदल के अलावा इस अजीम हुक्मरान की जिंदगी के चंद और भी पहलू थे। मसरूफियत थी खास नहीं शायद आज हुमायूं भी आप ही की तरह दस्तरखान का वक्त भूल गया है। आता ही होगा, इसकी तबीयत तो अच्छी है। निवाले को आंखें हैं, ये हुमायूं को देखे बिना हमारे हलक से नीचे नहीं उतरेगा। मुश्तरी साहिब आलम को कह दो कि हम दस्तरखान पे उनका इंतजार कर रहे हैं। हुमायूं महल में नहीं है। महल में नहीं है तो फिर कहाँ है? शिकार को गया है। शिकार को गया है? किसके हुक्म से? इजाजत मैंने दी। बेगम, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या उससे और आपको पता नहीं कि उसका एक पल भर भी हमारी आंख से ओझल होना हम पसंद नहीं फरमाते? परेशानी की कोई बात नहीं, वो आता ही होगा। आप तनावर फरमाइए। शिकार में साथ कौन कौन गया है? सिर्फ मिर्जा कलीम। दोनों नादान हैं।
और गए भी शेर के शिकार को है। बेगम हम जाएंगे। मिर्जा हुमायूं की जवानी जरूर हमारे तजुर्बे की मोहताज है। वो अपने आप को जवान समझता है, नादान है अगर ऐसा समझता है। गर्म खून को आंखें नहीं होती बेगम। जिन्ने इलाही कुछ आदमी चले आ रहे हैं। आदमी आदमी चले आ रहे हैं। दीवार बनी या खुदा मुआफिज था, ये हम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। जवाब दो कि तुम लोग शिकार को बिना इजाजत गए क्यों? आइंदा हर कदम अपनी नहीं आपकी मर्जी से उठाऊंगा। मिर्जा ये हिंदुस्तान अभी हमारे लिए वतन नहीं बना। जब तक हम इसे अपना वतन नहीं बना लेते तुम्हारा अकेले वीरानों में जाना खतरे से खाली नहीं। आइंदा एहतियात करते चल चलकर खाना खा लो। नजर बर जमीन निगाह बर सदन खबरदार बार है वक्त सही रोशीन बाबर बचानी बार कदम रंजा फरमाते हैं। दर्शन समीदा नजर रूबरू भागत मामलाता होश और गो कांसा बाबर कांसा बाबर सा बाबर चांद सूरज सितारों का ये कारवां जब तलक आसमानों पे चलता रहे जब तलक हाथ से बीज फूटा करें जब तलक बहर मोती उगलता रहे वक्त रंगीन चिरा मुस्कुराता रहे तख्त जर्री चिरा जगमगाता रहे बाबरी जाहो हसबत दरबार में सारा आलम यूही सर झुकाता रहे। आमीन। मुल्ज़िम सादिक अली सुल्तान आज हो जाए सादिक अली
गुलाम सादिक अली सफदर शाह। जहां बना मुलजिम सादिक अली मजलूमा सुल्ताना का शौहर है। मुलजिम सादिक अली तुम इकरार करते हो? जी हां आलम बना। मुलजिम सादिक अली बद चलने के शक पर अपनी बीवी को कत्ल कर देना चाहता था। अहले मोहल्ला सुल्ताना की चीखों पुकार पे दौड़े आए और मुलजिम सादिक अली को बमे छुरी गिरफ्तार करके इकबाल शाही के सुपुर्द कर दिया। कत्ल की असलियत क्या है बयान करो। कत्ल की वजह ये खूबसूरत सांप है जिल्ले इलाही। पहले मैं इसे कत्ल करना चाहता हूँ। आदाब शाही पेश रहे बाबरी बारगाह है। बयान जारी रहे। जिल्ले इलाही शादी के बाद जब इस खूबसूरत डायन को मैं अपने घर लाया तो एक वफादार खादिम के तहत मेरी खिदमत करने लगी और मैं भी इससे अंधाधुन प्यार करने लगा। एक दिन बोली घर का सारा काम काज अकेले मुझसे नहीं होता, एक गुलाम रख दू। मैंने इकरार किया, ये इकरार करने लगी और मुझे मजबूर करके अपने वालिदैन के पास भेजा। उन्होंने मुझसे 500 मोहरे लेकर मेरे जिगर के लिए एक कतार दे दी। तुम्हें अपने इस गुलाम से नफरत क्यों है? जिल्ले इलाही मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी बीवी अक्सर इसे अपने हाथ से खाना खिलाती है, गुलाम का बिस्तर अपने हाथ से करती है। ये मैंने बर्दाश्त किया पर यह बर्दाश्त न कर सका कि गुलाम का सर अपने सीने पर रख के उसका माथा चूम ले। तो क्या इसी बिना पर तुम उसे कत्ल कर देना चाहते थे? जिल्ले इलाही मर्द सहने को पहाड़ की टक्कर सह जाते हैं पर आबरू पर पड़ने वाली कंकरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुल्ताना जिल्ले इलाही मेरी भी एक अर्ज। जो कुछ अर्ज करना हो खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर अर्ज करना। अगर तुमने अपने दांव को मक्कारी से छुपाने की कोशिश की तो याद रखना मक्कारी और बदकिरदारी के लिए हम फिरौन से भी ज्यादा जालिम हैं। जिल्ले इलाही मेरा अल्लाह रसूल गवाह है, मैं बिल्कुल बेताब हूँ। ये गुलाम दरअसल गुलाम नहीं मेरा अपना बेटा है, हकीकी बेटा। तुम्हारा फर्जंद? तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? जिल्ले इलाही ये मेरे पहले मरहूम शौहर की निशानी है। मैं बचपन में बेवा हो गई थी, वालदैन गरीब, उन्होंने मेरी दूसरी शादी इनसे कर दी। मैं मेरे वालदैन ने यह बताया कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। मैं मेरी शर्म ने मेरी दुकान खोलने दी। मैंने गरीब वालदैन को इसकी परवरिश का खर्चा दिलाकर बेटे को बहसियत गुलाम से खरीदा। इसका क्या सबूत है कि ये तुम्हारा अपना ही बेटा है? सबूत ये संदूक की है जिल्ले इलाही। क्या है इसमें? इसमें ममता है जिल्ले इलाही। इसे माँ को बुलाया जाए, वो इसे खोल कर देखे, या इससे पूछा जाए जो सहेज ने अपने साथ लाई थी उसी की संदूक से छू जानी थी। जी जिल्ले इलाही और अक्सर इसे छुप कर खोलती भी थी। खोली जाए किसी बच्चे के कपड़े हैं। जिल्ले इलाही ये वो कपड़े थे तो मैंने बेटे की सारी सालगिरह पर सिलाए थे। इसकी 18वीं सालगिरह के कपड़े जब इसने जेब में पहन किए तो ममता ने बढ़कर बेटे की पेशानी को सूंघ लिया। बस इसी ममता के कसूर पर ये मुझे कत्ल कर देना चाहते थे। सुल्ताना का बयान सुनकर और इन कपड़ों को देखकर तुम्हारा जमीर क्या कहता है? जिल्ले इलाही आज तक मेरी बीवी ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। आज कली हमारे जमीर की आवाज भी सुन ले।
ममता पुकार का शहादत दे रही है। ये दोनों माँ और बेटे। मैं भी तस्लीम करता हूँ आलमपना। शुक्र है बारह ताला का जिसने हकीकत हमारे सामने बेनकाब कर दी। जंजीरें खोल दो। पिता सख्त मुझे माफ करना। ये खुशबू मेरी आंखों का सुख जल कुड़ी के लाल को देख नहीं सकती बेटी। हमारी तरह और लोग भी अपने लखते जुगल से प्यार करते हैं और याददाश्त के लिए अपने खिलौने के कपड़े संभाल कर रखते हैं। रहते हसीनों के जलवे परेशान रहते। अगर हम ना होते अगर हम ना होते अगर हम ना होते अगर हम ना होते हसीनों के जलवे। हुए कत्ल और तुमको कातिल बनाया हुए कत्ल और तुमको कातिल बनाया। ये सपना तो अंदाज बेजान रहते ओ। अगर हम ना होते अगर हम ना होते अगर हम ना होते अगर हम ना होते हसीनों के जल में परेशान रहते। अगर हम न
चाहत के सजदे लुटाते, खुदा किस तरह हुस्न की जात बनती, खुदा किस तरह हुस्न की जात बनती। बुतों को खुदाई के अरमान रहते, अरमान रहते हाँ, बुतों को खुदाई के अरमान रहते। अगर हम ना होते, अगर हम ना होते, अगर हम ना होते, अगर हम ना होते, हसीनों के जलवे परेशान रहते। रहते अगर हम ना होते, अगर हम ना होते, अगर हम ना होते, अगर हम ना होते, हसीनों के जलवे परेशान रहते। हमारी बिटिया ने हमारे शेर को तारों की पोशाक पहनाकर हमारी तो तबीयत खुश कर दी।
तो शहजान आपका शेर भी खूब है। दांत तो उनसे मिलनी चाहिए जिनके खिदमत में था। साहेब आलम को भी शेर व शायरी की सूझबूझ। हाँ बेटी, शेर सुकून तो खानदान में खुदाई अतिया है, और फिर साहब आलम तो कभी कभी पथरीली जमीन पे भी फूल उगा देते हैं। हाँ 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 चचा जान, यूँ कहिए ना कि साहिब आलम शायर कम और बागबान ज्यादा। बजान आप जाइए, छत को छूने लगी है मगर अभी तक तेरा बचपन नहीं गया। आपको देर हो रही है बजान। हाँ बेटी बस्ती है। हाँ 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 बजान, दावत के लिए कहना ना भूल जाइएगा। हाँ हाँ आलम मिर्जा नसीरुद्दीन हुमायूं। दिल्ले इलाही चंद अहवारी दरबारी और खैर अंदेश साहिब आलम की खिदमत आलिया में मुबारक सालगिरह पे नजराने पेश करने की आलू रखते हैं। इजाजत है। साहिब आलम सालगिरह मुबारक। मिर्जा कलीम अपने शेर के लिए कुछ घास भी लाए हो। बहुत खूब मिर्जा हुमायूं, सुराही अच्छी है या जाम? मैं दोनों को दोजख का दलाल समझता हूँ। आजकल कौन से मुल्ला की सोबत में रहते हो? आपके साये से दूर नहीं रहता। खुश रहो, खुश रहो शहजादे, खुश रहो। साहरे आलम सालगिरह मुबारक है। अल्लाह आपको नूर की उम्र बख्शे। ये दिल हजार दिल से हमेशा दुआ करे, लग जाए मेरी उम्र भी तुझको खुदा करे। वाह, ये हमारे मिर्जा को किसने दुआएं दी हैं? ये खानाजात के दिल से निकली हुई आवाज है सिल्ले इलाही, और काम भी बहुत करीने से किया गया है। बिल्कुल, जैसे किसी ने मुहर लगा दी। कौन है ये कशीदा का? खानाजात की दुख्तर हमीदा बानो। वाह, एक तो कशीदा ही खूब था, उस पर आपकी लाडली ने चेहरा बांध लिया। दिल्ले इलाही, अगर नागवार खातिर न हो तो छोटे मुंह से बड़ी इल्तिजा करना चाहता हूँ। सुनाइए मिर्जा साहब। तो दिल्ले इलाही साहब आलम की सालगिरह है। दिल की आरजू है कि साहब आलम आज दोपहर का खाना मेरे गरीब खाने पर तनाव फरमा कर मुझे सुरखात का पर बख्शे। चाहिए, आपकी आरजू पूरी हो जाएगी। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, राहत बख्श बागीचे में सरेशामी जश्न आतिशबाजी मनाया जाएगा। साहब आलम को सरेशामी छोड़ दीजिए। बस और सच खानाजाद दिल्ले इलाही की इस कर्म फरमाए का तह दिल से शुक्रिया अदा करता है। मिर्जा आसिफ, मिर्जा करीम को भी दावत दी है या ये बिन बुलाए चले आए? ज्यारत ही नसीब नहीं हुई। जिन्हें देख लिया तो हम दोनों की ज्यारत बन जाएगी। ज्यारत बने हमारे दुश्मनों की।
कमाल है, मैंने कहा ये 16 हथियार सजाकर अब किसके कत्ल का इरादा है? तुम्हारे कुछ लगते से प्यार है ना वली है। देखो जी, मैं साहिब आलम की ढाल हूँ, तुम्हारा तीर लगने ना दूंगा। अरे जाओ भी, हम तो एक ही निशाना करके बदनाम हो गए। बानो आपा ने कई बार मेरी आंखों में तुम्हारी तस्वीर देखी है। तो उसे शक है? शक शक क्यों ना हो, जो लड़की दिन को सोए और रात को तारे गिने उस पर घर वालों को शक क्या? सारे मोहल्ले को यकीन हो जाता है कि इस घर में कोई लकड़ी सुलग रही है। क्या कुछ नहीं, खुदा के लिए चले जाओ। फिर मिलने का वादा करती हूँ? एक नहीं हजार वादा, तुम जाओ। पक्का वादा? बिना मुझ का वादा है फिर भी पूरा होगा, तुम जाओ भी। क्या इधर? अरे मरोगे। इधर चाचा जान। बानू आपा, तो फिर कहाँ जाऊँ? जा, क्या कर रही हूँ? जा। इसमें मगर कैसे? छुप भी जाऊं? जाने के लिए दरवाजा बंद करके बैठने क्यों पसंद है? बानो आपा, दरवाजा हवा से बंद हो गया होगा और कुंडे तुम्हारे तोते ने चढ़ा दिया। बजाय अलमार यहाँ अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? मर्दूत काम से कौन से भागते हैं। इलमार, गुलबदे, सब्जी बानो आपा, तुम लोगों से जो कुछ कहा जाए सुनते क्यों नहीं? अल्लाह का तुम जिस दिन मुझे ताव आ गया तमाचा मार दूंगी। उठाओ ये कालीन और ले जाकर दीवान खास में बिछा दो, साहिब आलम इसी पे खाना तनाल फरमाए। बनो, आप तैयार हुई या नहीं? आप तैयार हुई या नहीं? हाँ बिल्कुल। अभी जल्दी चलना। अलमा जरा इस पर मेरे कमर में लटक आ जाएगी। तुमने तुर्की बाबा चंद की बिरयानी देखी? तुर्की बाबा चंद की कुर्बानी? कुर्बानी नहीं बिरयानी, दिन को भी तारे गिनती रहती। बानू आपा मेरा सर घूम रहा। झूला कम झूला कर, घर में मेहमान आ रहे हैं और तुम चकरा रही। हाँ। जिसे हम पहाड़ समझे हुए थे। हाँ। वो कालीन तो बानो आपा के निकाब से भी हल्का चला है तो सामन का। मैंने बानो आपा की चितवन देखकर गुप्ते ने उठा लिया, देखो ना ये हाथ छोड़ दिया मैंने। अभी तो मैं भी छोड़ देती। हाँ तो दबो। अरे मरी हाँ कहूँ तो एक उंगली के इशारे से चले। देखो तो ये चल चल रहा है। चल मेरी तो आंख में जादू है, आंख मारूंगी तो चलने लग जाएगा। है? चल रुक जा। देखा इसी का नाम जादू है। आई चल अरे 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 ये तो कुछ चोर लोग आए छुपा बैठे। बाजार में कहीं मिल सके तो थोड़ी सी अकल खरीद लो। लाहौर मिला हो बिल्कुल बता।
जा कलीम। जी हाँ। तुम आ गए? सर क्या बोला है साहब आलम? खुश आमदी। खाना रात के गरीब खाने पर खाना तनाउल फरमा कर साहब आलम ने जर्रे को आफ्ताब बना दिया है। मिर्जा साहब मुबालगा नहीं, ऐसा खाना तो शायद शाही दस्तरखान पर भी कभी नहीं आया। जर्रा निवाजी साहब आलम। मिर्जा कलीम दस्तरखान उठाया जा रहा है। चाचा जान खाला जान के हाथ से बांधी आई। खैरियत तो है? खाला जान अपनी सीढ़ियों से फिसल गई। अल्लाह अपना करम फरमाए, कुछ ज्यादा जर तो नहीं आई? वैसे तो खैरियत है, घबरा कर आपसे याद किया है। खाना रात को इजाजत है? मरीज की हालत देखा हूँ। हम भी हमरा करें। शुक्रिया, आप यही रौनक बख्शे, मैं अभी हाजिर खिदमत होता। आखिरी तश्तरी कौन पेश करेगा? मेजबान। हमारा दिल कांपता है। एक हाथ दिल पर रखकर दूसरे हाथ से पान पेश कर दीजिए। नहीं, तुम जाओ। मैं भी इस घर में मेहमान हूँ, ये मेजबान अहले खाना का फर्ज है कि आखिरी तश्तरी पेश करे। तो फिर अब्बा जान को आने दिया जाए। उस वक्त तक ये लोग कवे उड़ाएंगे क्या? जाइए बानो अपा, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करती हैं। जाइए जाइए। तुम भी आओ। हमने तो हर लुकमा आसमानी नेमत महसूस किया है। सर नवाजी का शुक्रिया। आपकी तारीफ? मेरे चाचा जान मिर्जा आसिफ की दुख्तरे बुलंद है। अमर धोखा तह नुकता, रजाल आंखें परी चेहरा, शिकम हीरा बदन खुशबू, जबी दरिया सुभाई सा। ऐसे सीखे माइल ये नसीहत मेरी सुन ले, सीरत पे नजर चाहिए सूरत से ज्यादा। वाह सुभान अल्लाह, मोहब्बत की दुनिया में सब कुछ हसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं। मोहब्बत एक तपिश ना तमाम होती है, सुबह होती है कि न शाम होती है। मरहबा, हर शेर शबनम से धुला हुआ, हर ख्याल आफ्ताब से ऊंचा है। खुदा ने मिर्जा साहब को हया सोहन और सलीका बख्शा, उन्होंने उसका नाम हमीदा बानो रख दिया। ये तो आपकी फिराक नसीब है, वरना हकीकत तो ये है कि मन आनंद के मन दानम। इजाजत आपका खाना ज्यादा से इजाजत नहीं दिया करते। अच्छा तो फिर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Thank you.
से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है, दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। साहिब आलम ने लाख कोशिश की, फिर भी अपने कलाम पर लगाम में न रख सके। क्या मतलब? उनका हर शेर उनका नकाब उलटता चला गया। मगर आपके जवाब का भी जवाब नहीं, आपके हर इनकार में इकरार छुपा हुआ था। साहिब आलम कुछ नहीं समझे। जात, ये क्या बदतमीजी? लड़की हूँ, लड़कियों की जुबान समझती हूँ बानो आपा। अब आपकी शायरी जवां होगी, अब आपकी गजल में शराब की सी मस्ती और तेजाब की सी तेजी आएगी। जा जाकर अपने तोता मैना को दाना पाएंगा। बानो आपा, एक राय दू, आप भी मेरी तरह एक तोता पाल ले। आप शेर कहा करें, वो दाद दिया करेगा। अब जाओ भी। ओ तो आप तखलिया चाहती हैं? तमील मलकाए आलिया, ये वाले को खूब पहचानता है। इस बेखराई का कोई इलाज नहीं? क्यों नहीं, शरबत दीदार के साथ शेरों का गुलकंद दरकार है। कलीम, क्या वो संगे मरमर का खुदा हमारी सुन लेगा? साहिब आलम, ये मोहब्बत महंगी पड़ेगी आपको। आप वली अहद हिंद, आपका हर कदम जिल्ले इलाही की मर्जी से उठेगा। जिल्ले इलाही की मर्जी से हम मर तो सकते हैं कलीम, लेकिन दिया हुआ दिल वापस नहीं मांग सकते। तुम हमारी बेकरारी का करार सोचो। करार? जात के कदम चूमने पड़ेंगे। वो मान जाएगी क्या? आप जानते हैं वो सुनहरी पान मैंने क्यों छू किया था? उसमें मिर्चों का लेप था और ये सब शरारत उसी फितने की थी। तुमने आज तक अपनी मोहब्बत का हमसे जिक्र तक ना किया? ऐसा कौन सा नेक काम था जिसका ढंढोरा पीटता? आप तैयारी कीजिए। रात को जैसे आतिश बाजी। कलीम, अब हमें उम्मीद है कि डूबने वाले को तहजीर का सहारा मिल जाएगा। साहिब आलम, दिल दिया तूने लिया, हम क्या करें? जाने वाली चीज का गम क्या करें? जल्दी से तैयार हो जाइए साहिब आलम। सल्तनत मिर्जा नसीरुद्दीन हुमायूं अपने सालगिरह का जश्न आतिशबाजी खुद अपने मुबारक हाथों से मनाएंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دل ہزار دل سے ہمیشہ دعا کرے لگ جائے میری عمر بھی تجھ کو خدا کرے آمین تم یہاں دعا کو عرش والے تک پہنچانے کے لیے بانو آپا اگر آپ کی دعا چچا جان نے سن لی ہوتی تو تمہیں حیا سے مر ہی گئی ہوتی ابا جان ابھی تک نہیں ہے خدا جانے صاحب عالم پہ کیا گزر رہی ہوگی خطرے کی کوئی بات نہیں اللہ کی مہربانی سے مرزا نے آنکھیں کھول دی ہیں آپ کی دعا ہے ابا رہتی دنیا سے خدا تمہاری عمر دراز بیگم کھانا تم اپنی جانب سے فقیروں کو کھلا دے ہم اپنی طرف سے اور لنگر کھول دیتے ہیں سخاوت کسی اچھی شاید کی جاتی ہے میری شراب کی کیا سست و قدر ہے جسے میں پی کے دعا دوں وہ جنتی ہو جائے میرے ساتھ کا ہر سار آپ کو پکار چکا ہے جنبس نہ جنبس گل محمد میں نے کہا صاحب عالم آپ کہاں ہیں جیتے جی جنت میں لیکن جل وہاں بھی رہے گا یہ کیسی جلن ہے بازو جلا تھا وہ تو اچھا ہو گیا دل ہے جو اب بھی سلگ رہا ہے یہ آسمانی اشارہ ہے صاحب عالم ذرا سوچئے تو جس محبت کی بسم اللہ ہے غلط وہ محبت کامیاب کیا ہوگی تم اگر چاہو تو کامیابی ہمارے قدم چوم سکتی ہے تو خدا بخشے فرحاد کہتا تھا محبت منزل نہیں بس راستہ ہی راستہ ہے راستے پر قدم تو ہم نے رکھ دیا ہے کلیم اگر تم نا خدا بن جاؤ تو ہماری کشتی بھنور سے نکل سکتی جی ہاں تو آپ ہمیں دوست کم اور ملاح زیادہ سمجھتے ہیں کلیم ہماری یہ آواز حجاب کے ذریعے ان کے حضور تک پہنچا دیں تو آخر آپ منزل کی طرف چلیے بڑے صاحب عالم سلام حسرت قبول کر لو واہ واہ صاحب عالم واہ چھو کے چھوڑ کیوں لیا سلام حسرت قبول کرو قبول کر لو میری محبت قبول کر لو سلام حسرت قبول کر لو میری محبت قبول کر لو سلام حسرت قبول کر لو تڑپ کر تمہارے جلوے
गुलाम को किस लिए हाजिरी का हुक्म हुआ? अपने नए शिकारी को समझा तीर कहीं और जाकर फेंके। क्या मतलब? ये कोई मेरा दिल नहीं, बानो आपा का दिल। पत्थर के दिल में राह नहीं हो सकती। ओ, तो उन्हें मोहब्बत से नफरत है? हाँ, और मैं भी उन दोनों में काजी बनने के लिए तैयार नहीं। पयाम और सलाम के लिए किसी और के हाथ जोड़ो। ये लो इसका जवाब पत्थर से। अरे सुनो तो, बहुत सुनी है। बजा नहीं था ये इजहार बेहद
के सितारों ने भी नहीं देखा हमें तो हंस के सितारों ने भी नहीं देखा नजर मिला के बहारों ने भी नहीं पसंद नहीं ये दिल लगी ये शरारत हमें पसंद नहीं जो तख्त ताज के वारिस है उनका प्यार ही क्या मालूम होता है कि खुदा ने काबा के बचे हुए पत्थर से बानों का दिल बना दिया पत्थर तो मुझ पे बरसेंगे साहेब आलम जिस दिन जिले लाही को पता चल गया कि आप दोनों के दरमियान काजी मैं बना हुआ हूँ वो मुझे जवानी में ही जन्नत दिखा देंगे जवानी में जन्नत तो हमने भी देखी है एक बार देखी सौ बार देखने की हवस बाकी है काश इस जमाने में हातिम जिंदा होता वो जरूर आपके लिए मुश्किल कुशा बन जाता हमारे लिए तुम ही हातिम बन जाओ मैं हातिम क्या करूंगा साहेब आलम उधर से तो सौ सौ इनकार हो रहे हैं उनके हर इनकार में सौ सौ इकरार छिपे हुए हैं कलीम और फिर ये धमकियां ही तो हुस्न की शान बढ़ाते हैं ओ तो आप इन चांदी सोने की मूर्तियों की जबी समझते हैं वो हमें कागज की नाव समझते हैं वो समझते हैं शहजादों का दिल मौसम के साथ बदलता रहता है कलीम उन्होंने हमें अपनी नजर से देखा काश वो हमें हमारी नजर से देखते ये लो उन तक पहुंचा दो शायद उन्हें यकीन आ जाए कि इस सोने में खोट नहीं का इम्तिहान तो लो तुम
बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ देता है। तुम ना साथ छोड़ देना, तुम ना साथ छोड़ देना। बेगम, मोहरे अगर गलत कदम बढ़ जाए तो शाह को मात का यकीनन अंदेशा होता है। तस्लीम शुदा बात है। हमारा मतलब है कि मुसाहिब गलत मिल जाए तो इंसान गुमराह हो जाता है। मैं हजूर के इस इशारे को नहीं समझ। हमारे ख्याल में मिर्जा हुमायूं के मशीर उसे किसी गलत राह पे लगा चुके हैं। अल्लाह न करे। हम भी तो यही चाहते हैं कि हुमायूं जवानी की राह बिना किसी ठोकर के पार कर जाए, मगर देखने में आया है कि आजकल वो कुछ खोया खोया सा नजर आता है। दस्तरखान पे नाम को आता जरूर है, खाता कम है, देर से सोता है, नमाजें सब कजा पड़ता है। ये दौर और तेवर दोनों चौकन्ना रहने की हिदायत कर रहे हैं। आप क्या देंगे साहिब आलम, छोड़िए भी, जो मांगो के पाओ, बस मुलाकात से बाहर आ जाइए। कलीम, तुमने हमसे वो मांगा है जिसकी हमें कम से कम तुमसे उम्मीद न थी। सुनो और यकीन करो, मरने के बाद बानो अगर हमें जन्नत में दिखाई ना दी तो हम जन्नत का भी रास्ता भूल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मजनू की खबर से भी आज सुभान अल्लाह की आवाज निकली होगी। शायद आलम, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। तो सुनिए, जमुना किनारे सब जगह पर आ रहे हैं वो लोग। कब? आज रात को। वो आदाब का नहीं। मैं क्यों आई हूं? उससे सवाल कर रही है जो खुद नहीं जानता कि वो क्यों आया है। इसलिए सुनी, छोड़िए, जाने भी दीजिए। सुनिए, मैं बड़ी बहिया हूं। ये फूल फरियादी कहते हैं कि हमारी आंखें भूखी हैं और ये कांटे तो इसी दिन के इंतजार में सूर से कांटा हो गए हैं। देखिए ना, आपका दामन थाम कर कह रहे हैं रोशन चिराग को नकाब में न छिपाइए, आग लगने का अंदेशा है। ये हिजाब कहां चलेगी? इस वक्त तो आप हिजाब की तस्वीर बनी हुई है। मुझे कहां खींच लाई कम्बा? मोहब्बत को गाली नहीं दिया करते। किसे मोहब्बत है, किससे मोहब्बत है? आपको, शायद इस गुलाम से। खुद को गुलाम कहकर मेरा दिमाग खराब न कीजिए, कुछ और बात कीजिए। प्यासा पानी ही की बात करेगा। आप प्यासे कब से? जब से दरिया देखा है। बादशाहों की प्यास दरिया पी जाने पर भी बुझा नहीं सकती। जो बादशाह होंगे ये बदनामी उनकी। आप भी कल के बादशाह हैं। कल किसने देखा है? आज अगर हुजूर अपना दरबार सुनाएंगे तो हमें दुनिया की शाही में खुदा की खुदाई मिल जाएगी। कहीं इसको तर्क कर सकते हैं? हुजूर गुलाम तक हुक्म फरमा सकते हैं। पानी में वहीं तक जाना दानिश बनती है जहां तक जमीन पाँव के नीचे रहे। मतलब मोहब्बत का लफ्ज आप मेरे नाम के साथ इस्तेमाल न करें। जो
गुनाह से। कैसे? ये गुनाह है कि शोहर के बजाय कोई गैर आदमी हमें देखे। ये जुर्म है तो औलाद की तालत से खानदान की सफेद चादर दागदार। हम भी कुछ अर्ज करें। अब तो आपका है। हमें मोहब्बत की इजाजत दे दो बानो। मेरी मोहब्बत मेरे शोहर के माने थे। हम तुम्हें पानी की कसम खाते हैं। आपने कभी दरिया के दो किनारे मिलते हुए देखे हैं? जमीन के पांव छूते हुए आसमान को हमने इसी दुनिया में देखा है। नियत नेक से जब मुसाफिर राह पे कदम रख देते हैं तो मंजिल मुसाफिर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। खानदान तैमूरी ताज और बागी शहंशाही तीन दीवारें कभी आपको हमारे करीब न आने देंगे। तराजू के एक पलड़े में चंगेजी इज्जत तैमूरी ताज और बाबरी हुकूमत को तोल कर देख लिया। पलड़ा वो ही चुका है जिसमें आप हैं। हिंदुस्तान के तख्त से ज्यादा कीमती एक तुम्हारी किस्मत होती है। अगर कहीं से ले लाही में एक इनकार मेरी किस्मत की सितारे तोड़ती है तो याद रखी मैं कंगाल हो जाऊंगी। हम जब भी भरी आंख लिए अब्बा हजूर से कहेंगे कि हमें बानो चाहिए वो हिंदुस्तान गिरवी रखकर भी हमारी आरजू पूरी करते हैं। बानो हम तुम्हें पाकर हैं और अगर पा ना सके तो खुद को खो दे। मेरे लिए कहीं आपको शहंशाह बाबर जैसे बाप का सामना न करना पड़े। डरती हूँ। आपकी कितनी लड़कियां हैं? दो जिले इलाही हमीदा बानो मेरी बच्ची और शिजाब मेरी भतीजी यकीन भतीजी। क्या आपने उन्हें घर से गायब रहने की इजाजत दे रखी है? क्या फरमाया आपने? क्या आपने उन्हें घर से गायब रहने की इजाजत दे रखी है? जिले इलाही एक बात से आप हाँ सवाल करेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था और हमने भी कभी ये ख्याल न किया था कि तुम्हारे इन सफेद बालों के पीछे क्या साजिश छुपी होगी। जिले इलाही साहिब आलम हुमायूं को सालगिरह के दिन अपने घर में दावत देने का क्या मकसद था? मुगलिया खानदान की ताजीम के लिए मैंने दावत दिया। दावत के बहाने आपने मिर्जा हुमायूं को अपनी साहिबजादी से मिलाया। क्या ये साजिश नहीं? क्या आपने वलीहद की जवानी का फायदा उठाया? जिले इलाही आप मेरे मुंह पर तमाचा मार लीजिए मेरी पगड़ी को ठोकर न मारिए। मैं आज तक मुंह से पूछी करके दिया हूँ। पगड़ी के करीब पहुंचे हुए का
کفن داغدار نہ کیجیے زندگی راہی مغلیا تاج آپ جس مورے کے ذریعے اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں ہم اس مورے کے ساتھ بازی کیوں رہتے ہیں مرزا آصف آج تک ہمایوں نے جوتی سے ٹوپی تک ہماری پسند کی پہنی ہندوستان کی ملکہ بھی ہماری ہی پسند سے مغلیا محل میں داخل ہوگی خدا وہ دن جلد لائے ذلہ الہی کہ آپ اپنے صاحب عالم کا چہرہ دیں لینے سے پہلے اس خانہ دار کو ہمیشہ کے لیے رخصت عطا فرما دی جائے برم ہوگا ذلہ الہی سچ پڑوا لگا ریشمی چادر کے نیچے ہم نے تمہارا توڑی بدن دیکھ لیا اب آپ شرم سے منہ چھپانا چاہتے ہیں شاہنشاہ کمان کی طرح جھکی ہوئی میری صبر شہادت دے رہی رہاپا غدار نہیں ہوتا راجی کی سفیدی کو نمک حرامی کے داغ سے بچانے کے لیے وقت بہت پہلے ہی بوڑھا ہو گیا آپ نے میری پیشانی پہ نمک حرام لکھ ہی دیا اس لیے الہی میں آپ کی سلطنت سے آپ کے ملک سے آپ کی نظر سے پوچھ رہا ہوں بہت خدا حافظ مرزا آصف آج اس نمک حرام ہے جس میں لاری اس کے ٹکڑے کر دیجیے مگر آپ کو یہاں ایک پل بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تیری سدھی نے خانہ برداشت کر دی نکل رہے ہیں الہی کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں طلب کرنا چاہیے ہندوستان کے حکمران کو ہے صاحب عالم آپ نہیں بانو ہندوستان سے باہر نہیں جائے وہ جا چکی ہے صاحب عالم اور حجاب بھی اس کے ساتھ گئی ہے وہ بھی جا کر واپس لانا یہ بغاوت ہو ہمارے کسی قصور کی سزا بانو کو ملے یہ ظلم اور ظلم کی کھیتی میں ہمیشہ باغی پیدا ہوتا ہے شہنشاہ بابر سے باغی بن کر نہیں بیٹا بن کر کام نکالنے میں دانش مندی ہے صاحب عالم جنہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے ہماری تقدیر کی تحریر پر لکیر پھیر دی ہے وہ ہمارا ساتھ کیا دے گی جنہوں نے بگاڑی ہے وہی سنوار بھی سکتے ہیں صاحب عالم ڈاتے ہیں اگر کچھ بننا پڑا تو مرزا آصف سے حال دل کیا دیں گے وعلیکم السلام صاحب عالم آپ ہم آپ کو واپس لینے آئے قبرستان سے مردے اٹھ کر جس طرح چھوڑی ہوئی دنیا میں واپس نہیں جاتے وہی حالت میری بھی آپ کو ہماری خاطر واپس کرنا ہوگا میرے ماتھے پہ نمک حرام اور غدار لکھا ہوا پڑھ لیجیے یہ آپ کے ابا حضور ذل الہی کے قلم سے نہیں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں
हम उन अल्फाज को अपने हाथ से आपकी पेशानी से मिटा देंगे जो हमारे अब्बा हुजूर से तहरीर हो चुके हैं। साहब आलम, आप साहब अकल भी, जबान से जख्म कभी नहीं भरते। आपकी एक दावत में तो हमें शहर बदल कर रखते हैं। आप किसी की खुशी पे इल्जाम लगाना गाली देने के बराबर। आपकी ताजीम ने हमें गालियां दिलवाई, बहुत गालियां दिलवाई। साहब आलम, आप चले जाइए, खुदा के वास्ते चले जाइए। अब क्या आप इस गद्दार को फांसी के तख्ते पर देखना चाहते हैं? हम जिले इलाही का दिल आपकी तरफ से साफ करवाते रहे। जिले इलाही, जिनकी नजरें पलकों की हद से आगे देखने की आदि नहीं। खुदाए दो आलम की कसम, अगर इन बच्चियों का कोई मुहाफिज होता तो मैं इल्जाम लगाने वाले जिले इलाही बाबर से भी टकरा गया होता। आप तशरीफ ले जाइए, मेरे पांव वापसी का रास्ता भूल चुके। हमारी इल्तिजा पर गौर कीजिए, हम तो बहुत दूर की सोच कर आपके पास आए। जमाने के नशेबो फराज देखते हुए हूँ साहब आलम, जो आप कहना चाहते हैं वो मैंने आपके माथे से पढ़ लिया है। बानों का मेरी जिंदगी में जिले इलाही बाबर के बेटे से अगर किसी किस्म का कोई भी रिश्ता करार पाया तो मैं बानों ही की कसम खाकर कहता हूँ, मेरी कतार से फिकर नहीं हो। अगर अब भी आप तशरीफ न ले गए तो मैं आपके सामने बानों का सरतन से अलग कर दूंगा। उनसे कह दिया जाए शरीफ लड़की के लिए उनसे उसके पीछे आकर रिश्ता तलब करना आवाजी नहीं तौर क्या है। जब तक मेरी आंखों में है गैरत और शराफत बाकी है, मैं अपने अब्बा हुजूर के कहने पर जिले इलाही शहंशाह बाबर के बेटे से शादी नहीं करूंगी। आप बड़ी सजा दी है, उससे कम है जो आपके अब्बा हुजूर ने हमें दी है। आप तशरीफ ले जाइए, अल्लाह रसूल के लिए तशरीफ ले जाइए। बेटे को दो जख्म में धकेल दिया है। तो वो लोग नहीं आए? जिस तरह वो लोग लूट कर चल दिए उसी तरह हम जिंदगी से रूठ जाएंगे। साहिब आलम, दिल बड़ा कीजिए, मैं उन्हें लाऊंगा। करीम, पर वाले परिंदे और रूठे हुए परदेसी गुजरे हुए वक्त की तरह क्यों वापस नहीं आते? मैं उसकी रहमत से कभी मायूस नहीं, मैं उन्हें जरूर लाऊंगा साहिब आलम। खुदा हाफिज। देखें हम मायूस हैं, हम दरिया में कश्ती में डूबे हैं, कश्ती में डूबे हैं।
खानम, क्या हुआ तुम्हें? हिंदुस्तान में गोली बंदूक लाने वाले आप ही हैं। किसी ने गोली चलाई है? जिसने एक गोली से मेरे बेटे का सीना चाक किया है, शहंशाह, उसे हुक्म दीजिए। दूसरी गोली माँ के सीने में भी मार दे। शहंशाह, मेरा सीना आपसे एक गोली की भीख मांगता है। जवान बेटा मरने के बाद माँ जिंदा रहे, ये ममता की जिद्दत है। खानम का ना ये ममता की जिल्लत है। मुजरिम कौन है? कलीम जिले इलाके आली के यत्ता के पतों। मेरा मकसद खून बहाना नहीं था। मैंने अपने आप को एक शीशे से बचाया, ये सारा पता हो गया और पूरी मरने वालों की सजा बन गई। खानम, मुजरिम इकबाल करता है कि वो कातिल है, क्या चाहती हो? बेटे की जिंदगी चाहती हूँ शहंशाह, बुझा हुआ शराब फिर तो रोशन कर दो। नूर बिना आंखें पत्थर होती है शहंशाह, मुझे ठोकरों से बचा लीजिए, मेरा अंधेरा दूर कर दीजिए अलम पना। नऊज बिल्ला, हमें खुदा न समझो, हम खुदा के बंदे हैं, हमसे वो मांगो जो हमारे बस में है। हम तुम्हें मुजरिम से खूब हाथ दिला सकते हैं। खून की कीमत, लाल के लहू की कीमत, आलम पना, मैं एक माँ हूँ, सौदागर नहीं, बेटा वापस लेने आई हूँ, तिजारत करने नहीं आई। ये भी कानून है खानम कि तुम कातिल को अपना बेटा बना लो। जो तुम्हें पहले दिक्कत तक पहुँची है, अब उसे दिल में रह लो। किसी का नाम इंसाफ है सिलने लाई। इंसाफ तो ये है कि तुम जान के बदले इसकी जान ले लो। मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। हश्र से पहले कोई बशर जिंदा नहीं होगा। जिंदे नहीं, मैं भी अपना इंसाफ हश्र वाले पे छोड़ती। एक माँ की गोद उजाड़ दी तुमने, तुम बेगुनाह हो। खाना खराब कर दिया किसी का, तुम बेगुनाह हो। अगर तुम बेगुनाह हो तो बाबर का इंसाफ भी उस लकीर का फकीर है जो हमारे लिए कुरान हकीम की शक्ल में नाजिल हुआ है। अल कसास हो बिल कसास, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और जान के बदले जान। कलीम, आपका वक्त करीब है, अल्लाह तबारक ताला को याद कीजिए। जिंदगी और मौत से तो वही साजिश है। आपने साहिब आलम को मेरा पैगाम पहुंचा दिया। वह आपसे मिलने जरूर आते, मालूम हुआ ये कदरे नासार है, शायद खुदा उन्हें तंदुरुस्त रखे। तुम तो वहां गए थे और मैं तुम्हारे इंतजार में था। साहिब आलम, किसी ने कजा की शक्ल में मेरा रास्ता रोका, मैंने गोली चलाई और गोली बारात के दूल्हे को जा लगी। फिर जिले इलाही ने फरमान इलाही के तहत फैसला सुना लिया। मैं अब्बा हजूर से तुम्हारी सिफारिश करूंगा। साहिब आलम, अब मेरी जिंदगी उनके हाथ में नहीं, इतने इलाही का हर फैसला कुरान का फैसला होता। कभी फुर्सत मिले तो हिजाब तक मेरा अलविदाई सलाम पहुंचा दीजिएगा। बस
यही मेरी आखिरी आंसू है। तुम खुद एक बार हिजाब से क्यों नहीं मिले? अगर ना मिल सके तो कलीम तुम्हारी यह हसरत मौत के बाद भी जिंदा रहेगी और तुम्हें दस्ती रहेगी। जाने की कानून इजाजत नहीं देगा साहिब आलम, जमानत मेरी होगी। दारोगा जी, तुम इनको रहा कर दो। साहिब आलम, बाबरी हुक्म की नाफरमानी करना गुलाम की हिम्मत से बईद है। हम जो जमानत देते हैं ये परसों शाम तक वापस आ जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता वापस ना आ सके तो बाबरी फैसले की तामीर के लिए हम हाजिर हैं। खून का बदला खून हमसे पूरा किया जाए। आप सरकार साहिब आलम, खुदा हाफिज। खुदा आपने तो सुना, खैरियत तो है? हुमायूं ने कलीम की जमानत दे दी है। कैसी जमानत? दोस्तों की आज लेकर कलीम फरार हो गया है और तसल्ली के लिए कह गया है कि परसों शाम तक वापस आ जाऊंगा। किस हाल में हो मिर्जा? आपकी जिंदगी में बेहाल कैसे हो सकता हूँ? तुम्हारी जिंदगी में हम बेहाल हो जाएं, ये तुम्हें किस तरह पसंद हुआ? तुमने किसी कातिल की जमानत दी है? कातिल की नहीं अब्बा, दोस्त की जमानत दी है। अगर करीम दोस्ती की आड़ लेकर फरार हो गया तो आप फख्र से कह सकेंगे कि आपका नूर चश्म दोस्त का कुर्बान होना भी जानता है। क्या बात, यही दोस्ती का हक है। मिर्जा, तुमने दोस्ती का दम तो भरा लेकिन अपने वालिद के दम का कुछ ख्याल न किया। क्या तुम ये नहीं जानते कि हमारे संग मिर्जा नसीरुद्दीन हुमायूं है? मुझे अपने दोस्त का भरोसा है अब्बा हजूर, वो जरूर आएगा। अच्छा, खुदा करे वो तुम्हारा दोस्त साबित हो, वरना तुमने तो अपनी जिंदगी का चिराग खुले मैदान आंधी में रख ही दिया। कैसी हूँ मैं ना? अब पता चला तोते को मैंने से कितनी उल्फत है। तुम्हारे पर तो ना थे, फिर भी तुम उड़कर मुझसे कितनी दूर चली आई। आलम ने तो जीते जी हमारे जनाजे निकलवा दिए, मगर तुम रोते क्यों हो? तकदीर लिखने वाले आंसू में कलम दबोकर मेरी तकदीर लिखी। अब हंसो, मैंने चेची के जरिए चाचा जान को राजी कर लिया है। अब तुम भी हमारे साथ ईरान चलोगे और फिर वहां जाकर उनकी शुरुआत। तुम कभी ना रोते। खुदा हाफिज। किसका खुदा हाफिज? तुम क्या कर रहे हो? मुद्दे जिंदा लोगों से दूर चले जाते हैं। मुझसे ऐसी रंग बिरंगी बातें ना किया करो। मैंने किसी और से शादी कर रहे हो? तारीख भी मुकर्रर हो चुकी है,
तेरी जिंदगी की दुआएं मैंने मांगी और जिंदगी तूने किसी और के नाम लिख दी। इसीलिए तो बेवफा हूँ। मुझे सिर्फ आंसुओं के हवाले करने आए थे। खुदा हाफिज़। सुनो तो। बहुत सुनी। काजी ने कहा के लिए मेरा इंतजार कर रहा होगा। कलीम की अभी से कोई खबर नहीं आई। तुम यहीं ठहरो, हम अभी आते हैं। परवरदिगार, दरवाजे के बाहर खड़े होकर ही सवाल किया करते हैं। हम इस वक्त शहंशाह नहीं, एक सवाली बनकर आए हैं जो हम तुम्हारी झोली में नहीं डाल सके, तुम हमारी झोली में डाल सकती हो। खजानों के मालिक तो आप हैं। हुमायूं ने कलीम की जमानत की हुई, मुझे माफी तक नहीं पड़ता। कानून जमानती को जिंदगी देने पर मजबूर कर रहा है। अगर तुमने अपने मरहूम बेटे के बदले हुमायूं को अपना बेटा मान लिया तो वह बाप के किए हुए फैसले की नजर होने से बच सकता है। और हुमायूं के दो ही ठिकाने हैं, खाना और तुम्हारी गोद। मैं सीने में एक माँ का दिल रखती हूँ, इसीलिए आपके लगते हुए की लंबी उम्र की चाहती हूँ। मैं उसकी जिंदगी की दुआ कर सकती हूँ, लेकिन उसे अपना लक्ष्य दिखा नहीं मांगी। हम तुम्हें बेटे के बदले बेटा देने आए हैं। हमारे मुंह से अपनी आंखें रोशन कर ली। आपकी आंख से मैं कैसे देख सकती हूँ लेना ही? आपकी जागीर मेरा खजाना कैसे बचता है? माँ अपने आप को धोखा दे भी ले, ममता अपनी आंखें कैसे खोल ले? लेना ही, मैं आपके नूर नगर की खातिर अपने मासूम बेटे का खून माफ कर सकती हूँ। हम तुम्हारे पास माफी के लिए नहीं आए, सुरक्षा रखने के लिए लाए हैं। नमक ज्यादा है जो ले लाए,
मगर खानम, हम इतना जानते हैं कि इस वक्त हुमायूं की जिंदगी तुम्हारे हाथ है। नौज बिल्ला, मैं खुदा नहीं, बंदे की जिंदगी एक बंदे के हाथ कैसे हो सकती है लेला ही? खानम, नहीं, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। रहम की दरख्वास्त कर रही है दिल ले लाई। खानम अगर नहीं मानी तो आप ही मान जाइए ना। कमान से निकला हुआ चीज और बाबरी कलम से निकला हुआ फैसला वापस नहीं हो सकता। कानून को तो आप बता सकती हैं। जो कानून बेटे की शक्ल देख सकता है वो जहीरुद्दीन बाबर का नहीं किसी और का कानून होगा। कानून को आंखें नहीं होती बेगम। कलीम ना आया और कानून ना बदला तो मेरी दुनिया ही बदल जाएगी। बेगम, हम तुम्हारे साथ आंसू तो बहा सकते हैं लेकिन कानून के पाँव नहीं पकड़ सकते। अंधे कानून से उम्मीद न रखो कि वो मंजिल तक पहुंचा देगा। सब्र करो बेगम, सब्र करो। अगर कुदरत की कमान से तीर लगने की बात तो हम तुम क्या कर सकते हैं? डाली को सोना न करो, तुम ना हो, तुम ना
पहचान की हो औलाद का गम क्या होता है, ये तीर सितम क्या होता है, ये वार अलम क्या होता है, हर माँ का जो तुम को दर्द नहीं। परवरदिगार आपको हर दाग से महफूज रखे। एक फकीर ने आपके लाल को अपनी गुदड़ी में लपेट लिया है। हुमायूं को मैंने अपनी गोद में बना दिया है। गोरी में क्या आवाज? शादियाने के तौर पर हवाई बंदूकें चलाई गई है। खानम, खानम तेरा एहसान है, आज तूने मुगलों के पुष्ट हुए फानूस की लौ बना दी है। मगर जिले इलाही, इस चिराग को मैंने अपनी कुटिया के लिए बचाया है, उसका तेल खत्म हो रहा है। साहिब आलम जब मेरे घर पहुंचे तो मुझे महसूस हुआ कि वो अपनी जिंदगी से नाखुश है। नहीं नहीं, हमारी जिंदगी में ये फूल मुरझा ले। आलम, हम तुम्हारे हुमायूं के लिए अपनी खुशियां तो कुर्बान कर देंगे। मुश्तरी मुश्तरी, हकीम साहब से कह दो हमने उन्हें याद फरमाया। अनस की सख्ती का आलम क्यों है हकीम साहब? इस इलाज कल्ब का दौरा है जो लीला जी, मेरी जैसे किसी चट्टान से टकरा गया। हम अपना दिल हुमायूं के सीने में नहीं रख सकते, ऐसी कोई सूरत नहीं है हकीम साहब। सही जाना, सही जाना। जी लैला जी, साहिब आलम भी क्या गुजर रही है? तुम्हें जगाकर पूछ, बाप की आवाज नहीं सुनती, शायद दोस्त की आवाज से आंखें खोल दे। साहिब आलम, साहिब आलम, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। साहिब आलम, साहिब आलम, मैंने तेरा एक एक लफ्ज सुन लिया, मैं सब समझ गई। बस उसी काफिले में हुमायूं की जिंदगी, यकीन कीजिए काफिला जितनी दूर होता जाएगा जिंदगी भी साहिब आलम से उतनी ही दूर होती जाएगी। जी
मुझे एक हकीम का पता चला है। जिंदगी तो वैसे परवर गुजार के हाथ है। साहिब आलम की इस नर्स को अगर उस हकीम ने समझ लिया तो अपना ये चांद गुरूप होने से बच जाएगा। अच्छा खान, सबसे रटा चाहिए अंजाम। अच्छा आलिम ऐसी ले लाए, जिंदगी की नाव नीची नीची लहरों से टकरा रही है। वही रहमान है, वही रहीम। तुम यहाँ? मैं एक सवाल लेकर आई। सवाल? सवाल पूरा करने वाला मैं कौन? मैं एक नाकी कमतरीन गरीब। जो दे सकता है वो गरीब नहीं हो सकता। गरीब मैं जो दामन फैलाए आप तक पहुँचे। मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ और जो मैं दे सकता हूँ वो तुम ले सकती हो? अगर ये आपका वादा है तो वापस। साहिब आलम की जिंदगी अब आपके हाथ है। उनके मर्ज की दवा सिर्फ आपके पास है। खानम, वादा लेने के बाद तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? हमारे सुकून दिल के लिए दुआ करे जाए। सत्य और दुआओं में वो असर है जिले इलाही के आसमान से उतरती हुई बलाएं पलट जाती है। हर खानाए खुदा ने तुम्हारे हुमायूं के लिए दुआ कराई।
لاکرا من سرگل قمرا دنیا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة من شرب الخمر في الدنيا हमारा पागलपन नहीं, ये सदमा नहीं तो और क्या है? हमने वो दीवार गिरा दी जो बाप की दुआ आज तुम्हारे तक पहुंचने में दी थी। आज हमने अपने घर से शराब का जनाजा निकाल दिया है। आलम पर खकराब का आलम पारी, मौत ने वो डोरी हाथ में ले ली जो कभी जिंदगी के हाथ में। स्टार गोल्ड पर शानदार शुक्रवार में देखिए खाब। मैं ही अपने हुमायूं की दवा हूं, मैं ही अब बच्चे का हकीम हूं। अरे अर्श फर्श के मालिक, फर्श वाली की तेरी दुनिया में जान से ज्यादा कीमती कोई शय नहीं। वो जान मैं अपने हुमायूं के लिए कुर्बान करता हूं, कबूल कर ले मान और अपने होने का सबूत साक्षी। मेरी जान ले ले, तेरे हुमायूं की जान बख्श दे।
मेरी जान ले ले, मेरे हुमायूं की जान, 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 मेरे बच्चे की जान, मेरी जान ले ले, मेरे बच्चे की जान, मेरी जान ले ले, आलियन दरियास फरमा है साहिब आलम की तबीयत कैसी है। मल के आलिया से आज सर्दियों की वो तस्वीर ले आए। क्या बात है मुझे? अल्लाह का एहसान है। अब रसूल कहाँ है? बस तशरीफ लाती होंगे। नहीं मिर्जा, हम खुद अब उसके खजम बोसी को जाएंगे। लखते जिगर का सहरा देखने से पहले ही चल दिए तो गुलाम को माफ तो करके जाइए ले लाही। दिल तो सबको तेरी सरकार, दर्द
जब तक ये दिल नहीं होने पाते।